सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के करौटी ग्राम पंचायत में चुनाव हारने के बाद दारिक खान ने करौटी सरपंच पद पर चुनाव जीते हुए प्रत्याशी मेघनाथ वैश्य पर लगाए गंभीर आरोप। 25 जून को करौटी ग्राम पंचायत में हुए चुनाव के मेघनाथ वैश्य चुनाव जीते हुए, जिसको लेकर चुनाव हारे हुए प्रत्याशी दारिक खान ने मस्जिद के सदर उनके द्वारा बता दें कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मेघनाथ वैश्य पंचायत चुनाव जीतने के नशे में बेजे जुलूस के साथ साथ धार्मिक स्थानों पर पटाखे फोड़े गए थे, जिसमें गांव में बता दें कि तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। वहीं करौटी ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव जीते हुए प्रत्याशी मेघनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दारिक खान 5 वर्ष से लगातार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे, लेकिन एक बार भी वह चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। पटाखा फोड़े हैं ना, तो मैंने रैली निकाला और उन्होंने बल्कि बिहार से और उत्तर प्रदेश से मुसलमान 4 गाड़ी मुसलमान बुला करके अपने आदमियों के साथ पटान गाली गलू और कट्टा से मारने की धमकी दिया। इसकी आपने क्या कहीं शिकायत की है? मैं मौके पर मैं शर्मा जी को बताया तो बोले शर्मा जी ठीक है, हम उसको काटेंगे, ऐसी गलती नहीं। जो आरोप लगा रहा वो कैसा आरोप है? वो एकदम निराधार है, अजूबी शिकायत कर रहा है। हारने के बाद वो जो है मतलब इस सबसे काम करता है।